हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूं और टॉपिक है डीजीए चेक में हम क्या क्या करते हैं। उस सभी के विषय में मैंने प्रॉपर विस्तार से लिखा है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाई हैं तो टोटल चेक के बारे में बताया है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो सेपरेट सेपरेट सर्च करते हैं कि भाई ए चेक में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, आज मैं उम्मीद करूंगा कि शायद यूट्यूब पे आपको डीजीए चेक की इससे अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी। आज मेरा प्रयास होगा कि डीजीए चेक के बारे में आपको प्रॉपर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, ए चेक में क्या क्या होता है या क्या क्या चेक करना होता है। आंसर, ईसीपीजी से चाबी चेक करना। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे ईसीपीजी है क्या। दोस्तों, जहां से हमारा पूरा जनरेटर मॉनिटर होता है, कंट्रोल होता है, वहीं पे हमारी जितनी भी सेफ्टियां होती हैं उनकी कमांड वहीं से होती है, तो उसको बोलते हैं हम ईसीपीजी। ईसीपीजी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल गवर्नर। तो चाबी हमारी हमें चेक करनी होती है भाई, ईसीपीजी पे ऑफ का ऑप्शन होता है, रन का ऑप्शन होता है और एक क्रैंक का। तो हमारा एएमएफ पैनल हो या पीएलसी पैनल हो, डीजी हमारा ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ और एलटी पैनल हमारा बेसमेंट में, और चाबी हमारी ऑफ पर होगी तो जनरेटर हमारा स्टार्ट नहीं होगा। तो चाबी को हमेशा रन पे रखना होता है, तभी हमारा जनरेटर नीचे से स्टार्ट पीएलसी या एएमएफ से हो सकता है। इमरजेंसी पुश बटन चेक। दोस्तों, हो सकता है कि हमारे डीजी ऑपरेटर के सहयोग के लिए डीजी असिस्टेंट मिला हो और उसने साफ सफाई के दौरान हमारे इमरजेंसी पुश बटन को पुश कर दिया हो। तो जब तक हम इमरजेंसी पुश बटन को नहीं हटाएंगे तब तक जनरेटर हमारा स्टार्ट नहीं हो सकता। समझ रहे हो भाई आप लोग भी? ओके तो हमें पुश बटन चेक करना होता है। नंबर 3, बैटरी टर्मिनल चेक करना। भाई जनरेटर के लिए हम 2 बैटरी लगाते हैं और उनके कनेक्शन सीरीज में होते हैं, 12-12 वोल्ट की 2 बैटरियां होती हैं, तो हमें बैटरी टर्मिनल चेक करने होते हैं। दोस्तों, यदि बैटरी टर्मिनल हमारे लूज होंगे तो जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा, और जब हम जनरेटर में क्रैंक देंगे तो वो स्पार्क की वजह से हमारे जो बैटरी के पोस्ट टर्मिनल है उनको मेल्ट कर देगा। इस तरह से हमारा नुकसान भी बैटरी का हो सकता है। तो हमें कभी भी भाई लूजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी स्पार्क लूजिंग की वजह से होते और जनरेटर भी हमारा स्टार्ट नहीं होगा। नंबर 4, बैटरी टर्मिनल पर पेट्रोलियम जेली लगाना। बहुत सारे हमारे साथी ये भी नहीं जानते होंगे कि पेट्रोलियम जेली क्या होती है। तो दोस्तों, जो हमारी बैटरी टर्मिनल होते हैं उन पर पेट्रोलियम जेली लगानी होती है ताकि कार्बन ना आए। हमारे बहुत सारे साथी पेट्रोलियम जेली नहीं लगती तो ग्रीस भी लगा देते हैं। तो दोस्तों, वो प्लान बी है, पर हमें अच्छा वही होगा कि पेट्रोलियम जेली ही लगानी चाहिए। नंबर 5, बैटरी ग्रेविटी चेक करना। भाई बैटरी की ग्रेविटी हमें चेक करनी होती है। भाई बैटरी की ग्रेविटी डाउन होगी तो जनरेटर हमारा स्टार्ट नहीं होगा। यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता देता हूं। भाई बैटरी की ग्रेविटी हम किससे चेक करते हैं? हाइड्रोमीटर से। और हमें कैसे पता चलेगा कि भाई डेड बैटरी कितने पे होती है, आधी चार्ज बैटरी कितने पे होती है और फुल चार्ज बैटरी कितने पे होती है? तो मैं हाइड्रोमीटर का छोटा सा एक सिंबल बना देता हूं।
इस तरह से दोस्तों ये हाइड्रोमीटर होता है, इसमें ऊपर रबर लगी होती है और नीचे रबर का नोजिल होता है, और जो बैटरी के अंदर हमारे 6 सेल होते हैं, हम पहले सेल का कवर खोल देंगे और फिर इस रबर को हम दबाएंगे और इस नोजिल को जब हम सेल के अंदर करके रबर को धीरे धीरे छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट, भाई बैटरी के अंदर क्या होता, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट हमारा हाइड्रोमीटर के अंदर आ जाता है। और हाइड्रोमीटर पे हमारा बैटरी की कंडीशन चेक करने के लिए कुछ नंबरिंग होती है और कुछ कलर कोडिंग होती है, जैसे 1120, 1140, 1160, 1180, 1200, 1220, 1240, 1260, 1280 और 1300, इस तरह से हमारी नंबरिंग होती है। और साथ में हमारा ये कलर कोडिंग भी होती है, जैसे 1140 के सामने होता है लाल कलर, ये हमें, यदि इलेक्ट्रोलाइट हमारा 1140 के लेवल तक जाता तो ये हमें ये दर्शाता कि बैटरी हमारी डिस्चार्ज है। और 1200 की सीध में हमारा आता है ग्रीन कलर, और ये हमें ये दर्शाता है कि बैटरी हमारी आधी चार्ज है। और 1280 के सामने होता हमारा पीला कलर, पीला कलर, ये हमें ये दर्शाता है कि बैटरी हमारी फुल चार्ज है। फुल चार्ज बैटरी के लिए ये हमारा कौन सा कलर होता है, पीला कलर। तो अब हमको ये भी पता चल गया कि बैटरी की फुल चार्ज जब हमारी बैटरी होती है गिरावटी कितनी होती है 1280, हाल्फ चार्ज की गिरावटी कितनी होती है 1200 1220, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ये कलर हमारा 1200 और 1220 तक होता है ग्रीन कलर। और डेड बैटरी की गिरावटी कितनी होती है 1140। हाइड्रोमीटर आर्कमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए दोबारा से इन्हीं के विषय में समझते हैं। नंबर 6, डायनोमा वी वेल्ट चेक करना। भाई हमें डायनोमा की वी वेल्ट चेक करनी होती है, बेल्ट लूज तो नहीं है या टूटने वाली तो नहीं है। और इसका हमने वी वेल्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों डायनोमा क्या है, एक डीसी जनरेटर है, और डायनोमा की जो बेल्ट है उसको हम वी वेल्ट इसलिए कहते हैं कि डायनोमा पे छोटी पुली होती है और जनरेटर के साथ में जो बेल्ट कनेक्ट होती है वो पुली थोड़ी बड़ी होती है, तो वेल्ट का जो आकार होता है वो वी शेप का होता है, इसलिए हम नाम क्या देते हैं, डायनोमा वी वेल्ट चेक। नंबर 7, डीजल लेवल चेक करना। भाई जनरेटर के साथ में जो टैंक है उसमें डीजल लेवल चेक करना, या जनरेटर हमारा कम रेटिंग का है तो डीजल टैंक उसके साथ में ही होगा, 500 केवीए के जनरेटर के लिए, तो उसमें हमें डीजल लेवल चेक करना, भाई लाइट जाने से पहले हमें ये सभी ये चेक में इंश्योर करना होता है, ये हमारे डीजी ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नंबर 8, डीजल लाइन के सभी वाल्व चेक करना। भाई जो डीजल लाइन है उस पर जो वाल्व लगे हुए हैं उनको हमें चेक करना होता है, वाल्व खुले हुए की रिक्वायरमेंट है तो खुले होने चाहिए, बंद की रिक्वायरमेंट है तो बंद होने चाहिए, समझ रहे हो ना। नंबर 9, बैटरी वोल्टेज चेक करना। भाई बैटरी वोल्टेज किसके द्वारा चेक करेंगे, क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर के द्वारा। बैटरी वोल्टेज हमें कम से कम 24 वोल्ट चाहिए, तो बैटरी हमारी 12-12 वोल्ट की सीरीज में है तो हमेशा हमारे 25 या 26 वोल्टेज आते हैं, उतने होने चाहिए और 24 वोल्ट से नीचे नहीं होने चाहिए डीजी स्टार्टिंग के लिए। नंबर 10, रेडिएटर में कूलेंट लेवल चेक करना। भाई रेडिएटर में कूलेंट का लेवल हमें चेक करना होता है ए चेक के दौरान। यदि डीजी हमारा, ये तो रेडिएटर तो हो गया एयर कूल डीजी के लिए, यदि जनरेटर हमारा वाटर कूल्ड है तो उसमें हमारा जो कूलिंग टावर होगा
कूलिंग टावर, कूलिंग टावर में वाटर लेवल चेक करना, कूलिंग टावर के साथ में कंडेंसर पंप होते हैं, कंडेंसर पंप को चेक करना भाई प्रॉपर चल रहे हैं ना चल रहे, हो सकता कोई कॉन्ट्रैक्टर जल गया हो, कंडेंसर पंप हमारा काम नहीं कर रहा हो, इस तरह से वो सब हमें चेक करना होता है। नंबर 11, लूब ऑयल लेवल चेक करना भाई, जनरेटर के अंदर लूब ऑयल लेवल चेक करने के लिए डिप होती है और डिप से हमें, डिप के ऊपर मार्किंग होती है एल और एच, एल का मतलब होता लो और एच का मतलब होता हाई, लूब ऑयल हमारा एल से नीचे ना हो और एच से ऊपर ना हो, दोनों के मिड सेंटर में होना चाहिए। नंबर 12, सभी होज पाइप चेक करना और क्लैंप चेक करना भाई, हमारे जनरेटर में जो पाइप होती है चाहे वो एयर की हो चाहे वो कूलेंट की हो, उन पाइपों को कनेक्ट करने के लिए बीच में हमारी होज पाइप होती है, तो हमें होज पाइप को चेक करना भाई उसकी कंडीशन सही है या ना सही है, हमारी क्लैंप लूज तो नहीं है, तो ये सब हमें ए चेक के दौरान चेक करना होता। नंबर 13, कहीं से हमारा कूलेंट डीजल लूब ऑयल लीकेज तो नहीं है भाई, ये जनरेटर के अंदर क्या क्या होता है, लूब ऑयल होता है, कूलेंट होती है और डीजल जाता है, तो ये कहीं से हमारा लीकेज तो नहीं है, ये सब चेक करना होता है। नंबर 14, पूरे जनरेटर की साफ सफाई करना भाई, पूरे जनरेटर को साफ सुथरा रखना हमारे डीजी ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 15, डीजल वाटर सेपरेटर चेक करना, पानी तो नहीं है भाई, देखो नाम से ही पता चल रहा है डीजल वाटर सेपरेटर, ये क्या डीजल वाटर सेपरेटर फिल्टर है और इसका काम होता है यदि खराब क्वालिटी का डीजल होने की वजह से या हमारा अंडरग्राउंड टैंक है किसी कारणवश पानी के अंदर कोई डीजल के अंदर जो पानी के कण आ जाते हैं उनको ये डीजल वाटर सेपरेटर फिल्टर हमारा अपने अंदर रोक लेता, क्योंकि दोस्तों डीजल पतला होता है और पानी वेट में भारी होता है, जो पानी के कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और डीजल हमारा इस तरह से ऊपर आगे फ्यूल पंप के लिए फ्यूल फिल्टर के लिए जाता रहेगा, तो ये समय समय पे हमें चेक करना होता है भाई, डीजल वाटर सेपरेटर में धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो हमारे फ्यूल के साथ में पानी के कण आगे जाने लगेंगे जिससे हमारे जनरेटर में दिक्कत हो सकती है, तो इसको हम समय समय पे फ्यूल वाटर सेपरेटर फिल्टर के नीचे ड्रेन प्लग होता है उसको खोल के एक लीटर आधा लीटर डीजल निकाल लेते हैं और उस डीजल को हम नट बोल्ट का जंग साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं पर डीजी में दोबारा नहीं डालते हैं। नंबर 16, एयर फिल्टर चेक करना भाई, एयर फिल्टर चेक करते हैं, एयर फिल्टर हमारा डस्ट फुल तो नहीं है, यदि डस्ट फुल है तो हम एयर ब्लोअर की मदद से फिल्टर को प्रॉपर साफ करते हैं। नंबर 17, वैक्यूम इंडिकेटर चेक करना भाई, वैक्यूम इंडिकेटर के बारे में जानते हो, वैक्यूम इंडिकेटर एयरलाइन पर लगा होता है और वैक्यूम इंडिकेटर का काम होता है यदि हमारा जैसे जनरेटर कैनोपी के अंदर होता है भाई, एक कवर के अंदर होता है, मान लो कोई कंस्ट्रक्शन साइड है और वहां पे जनरेटर खुले में लगा हुआ कैनोपी के अंदर नहीं है तो बहुत ज्यादा धूल धाल उड़ती है और उसकी वजह से हमारा बार बार फिल्टर चौक होगा, तो ये जो वैक्यूम इंडिकेटर है, वैक्यूम इंडिकेटर के अंदर एक स्प्रिंग होती है और एक रेड कलर का लेवल होता है, यदि हमारा फिल्टर चौक हो जाएगा तो वैक्यूम इंडिकेटर में रेड इंडिकेशन आ जाएगा, उससे हमें तुरंत पता चल जाएगा भाई फिल्टर हमारा चौक हो गया। और दोस्तों आप सभी लोगों को टेक्निकल से होंगे, सभी को पता होगा कि आग लगने के लिए तीन चीज आवश्यक है, ऑक्सीजन, ईंधन और टेम्परेचर, तो ठीक उसी तरह जनरेटर के लिए भी हमें ऑक्सीजन अति आवश्यक है, ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं जाएगी तो जनरेटर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और उस कंडीशन में क्या होगा, हंटिंग करेगा, हंटिंग यानी आरपीएम अप डाउन अप डाउन। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि डीजी के एचएक से रिलेटेड जो भी हमारे डीजी ऑपरेटर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैंने उन सभी के बारे में विस्तार से बताया, और दोस्तों ये जो 17 नंबर लिखे हुए जरूरी नहीं है दोस्तों 17 से 20 भी हो सकते हैं 22 भी हो सकते हैं, ये कोई फिक्स कोई नंबरिंग नहीं है कि भाई 17 ही पॉइंट हमें चेक करने, इसके अलावा और भी पॉइंट हम आगे चेक कर सकते हैं,
जैसे भाई अल्टरनेटर है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट बनाता, उसका जहां से हमें वोल्टेज मिलते हैं वो कवर प्रॉपर लगा हुआ होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, रेडिएटर का फैन है, फैन को हम प्रॉपर चेक करेंगे भाई उसके ब्लेड व्लेड ठीक है या नहीं है। रेडिएटर पे जो हमारी जो रेडिएटर के लिए फैन है उसके लिए जो बेल्ट चढ़ी हुई है उसको भी हमें चेक करना होता है। तो इस तरह से दोस्तों और भी ईटीसी मैंने आगे लिखा है, और भी पॉइंट हो सकते हैं, पर मेरा प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रयास किया कि जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी मैंने नोट डाउन किए। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि DGHX से रिलेटेड इससे अच्छी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। और दोस्तों बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्केल्ड के साथ में। और दोस्तों वीडियो पे ये कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस इक्विपमेंट पर चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।